हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। फाइनली मॉनसून आ गया, बहुत सुंदर बारिश हो रही है, प्लांट्स जो हैं बहुत हैप्पी हैं। देखिए वहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ पे मैंने लगाए हैं बैंगन के प्लांट, आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। बारिश के बहुत ही अच्छी बूंदे, यहाँ थोड़ा सा बीच में ग्रो बैग फटा हुआ था जिसमें मैंने पोटियोल का डाल दिया था, वो भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और इस पे बैंगन पे बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं और जल्दी ही होपफुली इस पे बैंगन आ जाएगा। इसमें अभी बोन मील डालना है और होप कर रही हूँ जैसे थोड़ा बारिश रुकेगी उसके बाद में मैं इसमें बोन मील डाल दूँगी। यहाँ पर जो है ये मिर्ची लगाई हुई है कॉर्नर में, और ये शिमला मिर्च थी जो छोटी छोटी ऑर्नामेंटल चिलीज़ बन गई हैं इस मौसम में गर्मी में। और ये भी शिमला मिर्च थी हमारी, कैप्सिकम, ये हमारी है हरी मिर्च, इस पर हरी मिर्चें आई थी जो मैं तोड़ के ले जा चुकी हूँ। यहाँ हमारे लेमन के प्लांट हैं और जिसके नीचे पोटियोल का अभी भी खिला हुआ है, सन नहीं है लेकिन पोटियोल का बहुत अच्छे से खिला है। यहाँ पर ये है सनफ्लावर का एरिया है, नीचे सेलोसिया, कॉस्मोस, कोचिया, और ये मेरा प्यारा एलोवेरा, और यहाँ स्पाइडर प्लांट छिपा हुआ है, गर्मी में बहुत परेशान था तो इसे थोड़ा शेड में हमने रख दिया था। यहाँ पे ये जो हमने बनाई थी प्लांटर्स, वीडियो आपने देखा होगा, अगर आप मेरे वीडियो इस पे चैनल पर नए हैं तो वो हो सकता है आपने नहीं देखा हो वीडियो, तो आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये DIY प्लांटर्स हमने बनाए थे, देखिए, और इसमें हमने सिंगोनियम लगाया है, ये ड्वार्फ वैरायटी है, ये बड़ा नहीं होता है, ये सिंगोनियम इसमें बड़ा अच्छे से चलता है। और इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, ये वाइन है, ये मिनी गार्डन बनाए थे, और धूप में देखो ये कैसे इसकी ग्रास जल रही है। और इसमें है हमारा पर्पल हार्ट, और ये सिल्वर आईवी भी है, सिल्वर आईवी इसी में बचा है, स्नेक प्लांट भी इसमें अच्छे से चला। इसका हम, ये पीपल है जो उग गया था, इसका बॉन्साई बना रहे हैं तो इसकी अभी अभी कटिंग की है, मॉनसून से पहले कटिंग इसकी करनी ज़रूरी थी। और ये जेड हमने लगाए हैं, जब ये ग्रो हो जाएगा तो इसका फॉल बहुत सुंदर आएगा। ये सारा जो है पाइप्स को छुपाने के लिए काम किया हुआ है, यहाँ पे सारा बॉटल्स में पोटियोल का लगाया है, जो देखो कितनी सुंदर फ्लावरिंग पे है। ये है मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी में भी हर रोज़ ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं, अभी इसमें नहीं है। और ये देखो यहाँ पे पिंक कलर का एक फ्लावर आ रहा है, यहाँ लाइट पिंक कलर का एक फ्लावर आ रहा है, और बर्ड्स भी खिल रहे हैं, पर ये जो है हर दो दिन में पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक भर जाता है ये फ्लावर से, बहुत सुंदर दिखता है, और बर्ड्स इसकी सारी खिल जाएंगी। यहाँ पे हमारा केला है, सनफ्लावर के साथ में लगा हुआ है केला, फिर अपराजिता, अपराजिता के साथ में है मोरिंगा, चीकू, चीकू पे भी बहुत अच्छी सारी फ्लावरिंग हुई हुई है, उसमें काफ़ी अच्छे जो है वो बर्ड्स आए हुए हैं और जल्दी ही जो है वो फ्लावर बन जाएंगे। यहाँ पे करेला और तोरी की बेलें हैं, और फिर हम चलते हैं अपनी दूसरी साइड, ये देखिए फिर से पोटियोल का है, यहाँ पे सेलोसिया है, और मैंने मेथी उगाई थी, थोड़ा छाँव में रखी थी तो काफ़ी अच्छे से उग गई मेथी, और पीछे विंग का बड़ा वाला सनफ्लावर, फिर अमरूद, शहतूत, इसके पीछे भी देखो मैंने यहाँ पे बॉटल्स में उगाए थे पोटियोल का, वो बहुत सुंदर से हुए हैं तो अभी भी खिले हुए हैं सारे। ये बेर का प्लांट है, बेर का पौधा है, बहुत अच्छे से हुआ है, इसकी भी प्रूनिंग की है, शहतूत की भी प्रूनिंग की है, बहुत ऊँचे हो गए थे तो उनकी प्रूनिंग ज़रूरी थी। यहाँ पर जो है सेलोसिया छोटे वाले गमलों में लगा है, पर फ्लावरिंग इस पर भी बहुत गजब है। ये है लेमन ग्रास, बहुत सुंदर इसकी खुशबू होती है, आप पत्ती तोड़ोगे ना और उसको ऐसे ऐसे क्रश करोगे, बहुत सुंदर खुशबू आती है। अमरूद लगे हुए हैं और अब पकने के कगार पे आ गए हैं, बस थोड़े ही दिन में पक जाएंगे, एक तो शायद इसमें ऑलमोस्ट पक ही गया ये, तो अच्छा है। वो पीछे अजवाइन है,
बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, अजवाइन कहते हैं इसे हम देसी लैंग्वेज में। और एक्चुअली ये जो घर पे यूज़ करते हैं ना अजवाइन, वो नहीं है, बट ये बहुत अच्छा होता है, मेडिसिनल प्लांट होता है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, वो आप देखना मत भूलिएगा। फिर अनार है, वहाँ फिर से केला है, जो छोटे वाले केले आते हैं ना साउथ में, ये वो वाला केला है। ये हैं हमारे फिर से सेलोसिया। सेलोसिया की मेरे पास तीन वैरायटी हैं, तीनों की तीनों वैरायटी यहाँ पे बहुत अच्छे से लगी हुई हैं और बहुत गज़ब की फ्लावरिंग है इस पर। अब देखो कितना बिग फ्लावर इस पर आया हुआ है, दूसरे भी फ्लावर जो है वो ग्रो कर रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं। वहाँ हमने इस वाली ग्रो बैग में अरबी लगाई हुई है, ये देखिए अरबी है, और एकदम से इसमें जो वीड है वो बहुत सारा फैल गया है। इसको जब बारिश रुकेगी तब हम करेंगे। वहाँ पे स्पाइडर लिली का प्लांट है, जिसके साथ में दूसरे पोटियुल का, और वो है पोटियुल का मेरे गार्डन में हर जगह फैला हुआ है, हर प्लांट के नीचे पोटियुल का ने अपनी जगह बना ली है। इसको मैं निकालती हूँ और ये फिर से पैदा हो जाता है। और छोटे फ्लावर्स वाला तो बहुत ही ज़्यादा फैलता है। और ये है हमारे सनफ्लावर्स, फिर से सनफ्लावर के पीछे जो है मेरी लीफ कंपोस्टिंग है, उसमें जितनी भी गार्डन में से जैसे मैं प्रूनिंग की है वो सारी लीव्स जो हैं वो मैं इसमें इकट्ठी करती जाती हूँ, और वो नीचे दबता जा रहा है, कंपोस्ट उसका बनता जाता है। गॉम्फ्रेना की आपने देखी होगी वीडियो, पहले भी देखी होगी जो मैंने डाली है। और गॉम्फ्रेना जो है वो मैंने पूरा ऊपर से बिल्कुल कट कर दिया था, इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और ये जो फ्लावर्स हैं ये दोबारा इसमें आ गए, उतने ही सुंदर फ्लावर्स इसमें दोबारा से आ गए जो प्रूनिंग करने के बाद में। बालसम गर्मी में बहुत परेशान थे, पत्ते जल रहे थे, देखिए अब भी कैसे हैं, लेकिन सरवाइव कर गए और अब जो है ये ठीक है। होपफुली इसमें भी अब रेनी सीजन में फ्लावरिंग हो जाएगी। ये हैं हमारे हिबिस्कस, तो हिबिस्कस भी देखो आप, तो यहाँ पे बर्ड्स आई हुई हैं और होपफुली इसमें भी जल्दी ही हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ये देखो ये खिलने भी वाला है इसमें। और यहाँ पे ये मेरा छोटा सा कॉर्नर है, यहाँ पे रजनीगंधा है, अभी तक फ्लावरिंग इसमें नहीं आई है इस साल। और ये पर्पल हार्ट है, सेलोसिया है, विंका है, और फिर से सबसे ऊँचा सेलोसिया है, कोचिया सबसे नीचे है, और बेसिल बहुत है मेरे पास में। यहाँ पे स्टॉक का भी जो विंटर फ्लावरिंग थी उसका मैंने कटिंग करके रखी थी, वो बचा हुआ है। और यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से बहुत सुंदर बेसिल भी रेडी है, ये भी सीडिंग पे है, इसके सीड अब मैं रख लूँगी। बहुत ही प्यारा प्लांट था ये, बहुत अच्छी इस पर फ्लावरिंग हुई थी। और यहाँ मैंने कटिंग्स लगा के रखी, देखिए विंका वाइट मेरे पास कम था, वो मैंने लगाया था, वो चल पड़ा है। यहाँ और भी ढेर सारी कटिंग्स है और मैं वेट कर रही हूँ कि वो चल जाए। मैंने इनको कवर नहीं किया है बट ये चल ही जाएंगी। विंका अभी पिंक विंका तो बहुत ही सारा है। यहाँ पे देखो और भी, ये अभी नर्सरी से मैं प्लांट्स लेकर आई थी, इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आता है ये वाला, अभी इसका फ्लावर ख़त्म हुआ है और अब ये फिर से खिलने को तैयार है। और ये वाला तो देखिए छोटे छोटे से ढेरों फ्लावर्स आते हैं इस पर। ये हमारा एक हिबिस्कस का प्लांट है, और यहाँ पे ये चांदनी है, इनकी भी हार्ड प्रूनिंग कर दी है हमने। और ये देखो अब ये इसमें भी सारे ये जो पत्ते देख रहे हैं ना आप, ये सब पत्ते नए आए हैं, ये पुराने वाले इसके गर्मी से परेशान हो के ख़राब हो गए थे, और ये सारे नए पत्ते प्रूनिंग के बाद भी अच्छे से निकल आए हैं। अब मॉनसून में हार्ड प्रूनिंग करने से ये देखो ऐसे सारे जो है ना देखो पत्ते निकल आते हैं, तो प्रूनिंग कर देने से क्या होता है, स्टेम मजबूत हो जाता है और ये दोबारा से निकल आएगा। मरवा भी सीडिंग पे है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये भी हमने कटिंग लगाई थी, मैंने कटिंग का वीडियो बनाया था, और अब सिंगोनियम जो है वो अपना पत्ता खोल रहा है, एक और सिंगोनियम चल पड़ा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी कटिंग की थी और सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छे से चल रहा है। ये है मोगरा, मोगरा में भी फ्लावरिंग हुई हुई है, और अभी क्योंकि ये थोड़े टाइम पहले ही लगाया था तो अभी जो है चल पड़ेगा। यहाँ पे ये हमारा
हिबिस्कस ख़राब हो रहा था, इसको दोबारा से हमने ठीक किया है, ये भी चलने वाला है अभी। बाकी जो हमारा बोगनविला है वो काफ़ी अच्छे से बहुत अच्छी फ्लावरिंग पे है। एक ये वेरीगेटेड वैरायटी है, इसके फ्लावर्स अब नीचे बारिश की वजह से गिर गए हैं, ये भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे ये मधु कामिनी का लगाया है प्लांट, होपफुली जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा। अभी लेकर आई मैं मधु कामिनी का प्लांट। ये है हमारा मधु मालती का, मधु मालती मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे फ्लावर्स होते हैं इसके और फ्रेग्रेंस तो कमाल की होती है। ये मधु मालती का प्लांट है, ये भी होपफुली जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और ऐसे गिलोय की तरह हम इसका फ्रेम बनाएंगे और बहुत सुंदर फ्लावरिंग करेगा। ये अनार लगे हुए हैं, अनार का एक और प्लांट है। ये हमारा टिकोमा है, टिकोमा रेड, और इसमें ना रेड ऑरेंज कलर के बहुत प्यारे फ्लावर आते हैं। ये भी मैं अभी नर्सरी से लेकर आई, जब बाकी लाई हूँ इसको मैंने बड़े में लगाया ताकि ये अच्छे से फैल जाए और बहुत अच्छे सारे इसमें फ्लावर आए। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है गिलोय। गिलोय जो है नॉर्मली मतलब मेडिसिनल प्लांट है, वैसे बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका जो फ्रेम में आने के बाद में जिस तरीके से इसने ये फ्रेम कवर किया है, इसकी ब्यूटी बहुत अलग है और बहुत सुंदर है। ये एकदम बहुत ही कमाल का दिखता है। ये देखिए, ये दोबारा से इसको पकड़ रहा है, ये इकट्ठी हो जाती हैं और फिर इसकी तरफ चल देती हैं और इनको मैं बार बार इस पर घुमाती रहती हूँ। नीचे ऊपर से कट कर देने से इनकी नीचे से नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं तो, और धीरे धीरे ये पूरा जो है फ्रेम कवर कर जाएगा, जैसे हमने इसको किया है। ये देखो, ये भी ऐसे ही हमने लगाया था और अब ये पूरा पूरा का पूरा इसने फ्रेम कवर कर लिया। मॉर्निंग ग्लोरी ने पूरा अच्छे से कवर कर लिया। जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो वो देखने लायक होती है। अभी इस पर फ्लावरिंग आज नहीं हुई है, इसकी फ्लावरिंग डेली की होती है। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो आज का हमारा अपडेट यहीं तक का था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। गिव अवे एक है NPK का जो मैंने फेसबुक पेज पे डाला है, आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आपको ऊपर भी दिख जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।